इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। पूर्ति, ये रेखा तो यहाँ मरी हुई पड़ी है। इसके शरीर की हालत देखकर लग रहा है किसी ने इसको नोच नोच कर खाया है। जल्दी चलो यहाँ से, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। पवन के इतना कहते ही संजू उनकी गोद से उतर कर रेखा के पास खड़ी हो जाती है और गुस्से में नामे गर्दन हिलाने लगती है। पूर्ति तुम जाओ, मैं संजू को लेकर आता हूँ। पूर्ति तेजी से कमरे से बाहर निकलती है, तभी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। पवन, पवन जल्दी आओ, क्या हुआ पवन, कुछ तो बोलो। दरवाजा बंद होने के बाद अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पूर्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कहां जाए, किससे मदद मांगे। दौड़ते हुए वो घर से बाहर निकलकर सीधे पंडित जी के पास पहुंचती है और उन्हें सारी बात बताती है। मैंने आपको पहले ही सावधान किया था कि वो घर सही नहीं है। आपकी बेटी कब से ऐसी हरकतें कर रही है? क्या इस घर में आने से पहले वो बिल्कुल सही थी? वो दरअसल मेरी बेटी नहीं है, हमने उसे गोद लिया है। उसका पास तो मैं भी नहीं जानती, हमारे पास तो वो एक सप्ताह पहले ही आई है और पहले दिन से ही ऐसी गुमसुम सी है। तो चलिए सबसे पहले शेल्टर होम चलते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई है? मैम, हमने संजू को अडॉप्ट किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई थी। सॉरी पूर्ति जी, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। हम किसी भी बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में आपको नहीं बता सकते। आपको बताना ही होगा, मेरे पति की जान खतरे में है और मेरी मेड रेखा, उसकी जान पहले ही जा चुकी है। ओह माय गॉड, इसका मतलब जो भी अफवाह संजू के बारे में थी वो सब सच थी। प्लीज मुझे पूरी बात बताइए। मैं भी यहाँ पर अभी एक महीने पहले ही आई हूँ। मुझसे पहले यहाँ पर जो मैनेजर थी उसकी भी अजीबोगरीब हालत में लाश बरामद हुई थी। शेल्टर होम में रहने वाले बच्चे कहते हैं कि संजू कुछ जादू टोना जानती है। एक बार किसी बच्चे ने उसका मजाक बनाया था, अगले ही दिन उस बच्चे का पैर टूट गया था। इसी तरह अगर कभी भी कोई उसे कुछ कह दे तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हो जाती थी। एक दिन यहाँ की मैनेजर ने उसे कमरे में अकेले बैठकर हंसते हुए देखा। इसके बाद वो संजू पर नजर रखने लगी। एक दिन डिनर के समय सभी बच्चे डाइनिंग रूम में बैठकर डिनर कर रहे थे। मैनेजर ने देखा कि संजू डाइनिंग रूम में खाना खाने के लिए नहीं आई है। वो चुपके से उसके कमरे में गई तो पाया कि वो छिपकली और चूहे मारकर उन्हें चॉकलेट की तरह चबा चबा कर खा रही थी। उस दिन मैनेजर को गुस्सा आ गया और उसने संजू को काफी डांटा। कहते हैं उसके अगले दिन ही मैनेजर की लाश उसके कमरे से बरामद हुई थी। उस दिन के बाद से यहाँ तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता है कि संजू जादू टोना करती है, तो कोई कहता है कि उस पर शैतान का साया है। पुराने मैनेजर की मौत के बाद यहाँ मेरी नियुक्ति हुई और मैंने संजू के अजीब बर्ताव के कारण उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास भेजना शुरू किया। डॉक्टर भार्गव ने ही मुझे बताया कि संजू का अजीब व्यवहार एक शॉक रिस्पॉन्स बिहेवियर के कारण है। अगर उसे प्यार और अच्छा माहौल मिले तो शायद उसकी हालत में सुधार आ जाए। बस इसीलिए मैंने उस बच्ची को आपको दे दिया। इतना सब होने के बाद आपने एक बार भी हमें ये सब बताना जरूरी नहीं समझा? क्या आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उसके माता पिता की मौत कैसे हुई थी, और आपके पास आने से पहले क्या वो एक सामान्य बच्ची थी? मैडम, जब वो यहाँ लाई गई थी तब वो एक ढाई साल की नन्ही सी बच्ची थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसके पेरेंट्स शहर के ही सिविल लाइंस एरिया में एक बंगले में रहते थे। एक सुबह उसके माता पिता मरे हुए पाए गए थे। उनका मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, ये पहेली आज तक सुलझ नहीं पाई है, क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। क्या आप उस बंगले का एड्रेस मुझे दे सकती हैं? प्लीज आप वेट करिए, मैं अभी रिकॉर्ड्स में से आपको देती हूँ। संजू के बंगले का एड्रेस लेकर पूर्ति वहाँ पहुँच जाती है और आस पड़ोस में पूछताछ करने लगती है। बेटा, यह घर घर नहीं है, मुर्दा घर है ये। यहाँ जो भी आया कभी आबाद नहीं हुआ। कई साल पहले यहाँ एक सन की औरत रहती थी, उसका 5 साल का बेटा गंभीर बीमारी के कारण मर गया था। बेटे की मौत के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसे लगता था कि वो अपने बेटे को वापस जीवित कर सकती है, इसलिए उसने महीनों तक अपने बेटे के शव को अपने साथ घर में रखा।
और ना जाने कौन कौन से तंत्र मंत्र करने लगी। फिर एक दिन उसके घर से लाशों के सड़ने की दुर्गंध आने लगी। जब ताला तोड़कर लोग अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनका दिल उछल कर मुंह को आ गया। बेटे की लाश के पास उस औरत की भी टुकड़ों में बटी हुई लाश पड़ी थी। पासी में ना जाने क्या क्या तंत्र का सामान फैला था। घर के अंदर कोई भी चोरी या लूट का निशान नहीं था। घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था, इसलिए हर कोई यही कह रहा था कि जरूर उसको किसी दुष्ट आत्मा ने मारा है। पुलिस ने भी इस केस को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सालों तक ये घर यूं ही खाली पड़ा रहा। फिर इस घर को किराए पर देने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन कोई भी किराएदार यहाँ एक रात भी नहीं टिक सका। अगले ही दिन सब यहाँ से भाग खड़े होते थे। आसपास के लोग तो इस बंगले को भूतिया मानने लगे थे। फिर एक दिन सुनने में आया कि एक परिवार ने यह बंगला खरीद लिया है। बंगले की साफ सफाई कराने के बाद वे लोग यहाँ रहने आ गए। हमें लगा था कि बाकी के किराएदारों की तरह ये भी दिन दो दिन में भाग खड़े होंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वे लोग आराम से इस बंगले में रहने लगे। जब 6 महीने तक वे लोग यहाँ रहते रहे तो हम भी यही समझने लगे कि शायद वो बुरा साया इस घर से हट गया है, लेकिन ये हमारी भूल थी। उनके घर काम करने वाली बाई ने बताया कि उनकी छोटी बच्ची कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है। वो अकेले में कमरे में हंसती है, बातें करती है। 2 साल की बच्ची कुछ अजीब अजीब सी शक्लें बनाने वाली भयानक स्केच बनाती है और हमेशा अलग थलग सी रहती है। वे दोनों पति पत्नी दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए उनकी भाई ने उन्हें बच्ची की हरकतों के बारे में बता दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उन दोनों पति पत्नी की लाश इसी घर से बरामद हुई थी। इस बार भी घर का दरवाजा अंदर से बंद था और उन दोनों की लाश इतनी बुरी हालत में मिली थी कि लगता था शरीर की एक एक हड्डी टूट चुकी हो। पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ था और उनकी बेटी संजू बड़े आराम से पास में बैठी हंस रही थी। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इस घटना से पड़ोसी रिश्तेदार इतने डर गए थे कि कोई भी संजू की कस्टडी लेने के लिए आगे नहीं आया और अंत में पुलिस ने उसे शेल्टर होम भेज दिया। हो ना हो, मुझे तो लगता है अपने बेटे को जिंदा करने के लिए उस सन की औरत ने गलती से किसी शैतान को बुला लिया था जिसने उसकी भी जान ले ली। बरसों तक वह शैतान इस घर में कैद था, लेकिन जब एक छोटे बच्चे का कोमल शरीर उसे मिला तो उसने उसी को अपना घर बना लिया। वो लड़की संजू कोई बच्ची नहीं है, शैतान है वो शैतान जिसने अपने खुद के माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। संजू की पूरी कहानी सुनने के बाद पूर्ति का सर चकरा रहा था। मेरे पवन की जान खतरे में है, मुझे उन्हें बचाना होगा। पूर्ति दौड़ते हुए अपने घर पहुंचती है। पवन, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। पूर्ति, देखो हम यहाँ आइस पाइस खेल रहे हैं, तुम हमें ढूंढो। पूर्ति दौड़ते हुए इस कमरे से उस कमरे में ढूंढने लगती है। प्लीज पवन, जल्दी बाहर आओ प्लीज। पूर्ति को पवन और संजू की हंसने की आवाजें सुनाई देती है। देखो हम ऊपर छत पर हैं। पूर्ति दौड़ते हुए छत पर जाती है। सामने उसे पवन छत की रेलिंग पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। पूर्ति उसे नीचे उतरने के लिए बार बार कहती है। उसके पूर्ति की ओर देखते ही वो छत से नीचे कूद जाता है। पवन, नहीं, ये नहीं हो सकता। पवन, पवन। पूर्ति रो रही होती है, तभी दरवाजे की ओट से संजू सामने आती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। अचानक ही पूर्ति के हाथ और पांव ऐंठने लगते हैं, जैसे कोई उन्हें मरोड़ रहा हो। पूर्ति दर्द से तड़प रही थी, तभी कड़कड़ की आवाज के साथ उसके हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई देने लगती है और उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूम जाती है। पूर्ति का बेजान शरीर जमीन पर गिर चुका था और संजू फिर से अपने कमरे में जाकर शैतानी ड्राइंग बनाने लगी थी। अगले दिन पुलिस ने केस सुलझने तक संजू की कस्टडी वापस शेल्टर होम को दे दी थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।